न्यू जनरेशन इंटरनेशनल एकेडमी राजटोली दरभंगा मुफ्त नामांकन जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या आगे का जो कार्य योजना होगी, क्या कुछ होगा जैसा कि बताया गया आगामी विधानसभा चुनाव को? आज हम लोग आपके दरभंगा में भारतीय मूमिन फ्रंट का जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग बुलाए हैं और मकसद यह है कि मुल्क के जो निजाम है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं और उसको बदलना हम लोगों को है। इस मुल्क के जो व्यवस्था है इसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना है और जनसंख्या के अनुपात से हर जाति को उसकी पूरी भागीदारी मिलनी चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर जो निजाम है जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, गरीब गुरबा का थाना में सन्हा नहीं लिया जाता है, ब्लॉक में गरीबों का काम नहीं होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की बड़ी जमात बनाएँ और इस मुल्क से जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं उनको हटा करके ईमानदार लोगों को सत्ता में लाएँ। स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और जो है युवा के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं इस मूवमेंट फ्रंट के, तो इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बेसिकली एक टीचिंग से बिलोंग करता हूं और एक टीचर्स का और एक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं उसको एक नया और अच्छा बदलाव करना, तो उस लिहाज से नज़ीर अहमद साहब ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी, तो बीइंग ए टीचर मैं एक इस जिम्मेदारी को इस तरीके से लेता हूँ कि एक समाज में नया बदलाव आए और उसमें तमाम लोग सुख संपत्ति के साथ रह सकें और एक हमारे मुल्क का एक अच्छा मुस्तकबिल बने। भारतीय मूमिन फ्रंट एक राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है। यहाँ जो हालात गुजर रहे हैं देश के अंदर उसमें कोई पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सारी पार्टियां मौन धारण कर लिया है, सब नतमस्तक हो गए हैं। अभी जो वर्तमान बीजेपी की सरकार के सामने भारतीय मूमिन फ्रंट अपना झंडा लेकर के आगे बढ़ी है और न्याय के लिए मैदान में उतर गई है और जगह जगह जाकर के अलख जगा रही है। भारतीय मूमिन फ्रंट ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसमें 51% महिला को जगह देंगे।